चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। ये ठीक है और तू है ये कदीर साहब के यहाँ देनी है, जमीला के यहाँ देनी है और ये देनी है। ये सब क्या है माँ जी? ये माल्टे हैं जमीला। नहीं माँ जी, ये माल्टे नहीं है, जलेबियाँ हैं। हाँ शबाना, ये माल्टे बिल्कुल जलेबियों जैसे मीठे, खा के देख। लेकिन आपने ये सब क्यों यहाँ पे सजा के रखा है माँ जी? सारा किचन फैला दिया आपने। ये एक एक रसगुल्ला देख के ना पड़ोसियों से मजे मजे के खाने इकट्ठे करूंगी बच्चू। ओहो माँ जी, पिछले मोहल्ले में भी सब लोग आपको बहुत अच्छी तरह जान गए थे, यहाँ तो थोड़ी इज्जत रहने दें प्लीज। हाँ शबाना, तू ठीक कह रही है, मुझे बदले में खाना नहीं मांगना चाहिए, मुझे पैसे मांगने चाहिए। एक एक गुलाब जामुन का 100 रुपया। मैं कह दूँ की अमरीका की चमचा में बड़ी मीठी और बड़ी महंगी। माँ जी क्या हो गया, नई जगह का तो कुछ ख्याल कर ले खुदा के लिए। ख्याल तो मैं बहुत कर रही हूँ अपनी सेहत का, 2.5 किलो हलवा खा चुकी हूँ, अब मेरी शुगर ने लो नहीं होना। माँ जी शुगर हाई हो जाएगी इतना मीठा खाने से। खुश होश हाई तो टीबी होती है ना। बीपी माँ जी, बीपी। अब तो मुझे ABCD ना सिखा समझी, पूरी चौथी पास हूँ मैं, पूरे मोहल्ले में मेरे जैसी वो नहीं है। अब मैं जा रही हूँ, खबरदार जो तूने बर्फी को हाथ लगाया। अच्छा जी कहिए। क्या कहूँ, क्या चाहिए आपको? 10-15 हजार जो भी हस्बे तफीक है दे दे। ओ माफ करें आंटी। आंटी कहने पे तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगी तुझे मैं। ओफो, मेरा मतलब है आप जाएं यहाँ से। कहाँ जाऊँ? अपने घर। मेरा घर का है मुझे याद नहीं आ रहा पुत्र। हाँ तो याद करती करती जाए ना। हाँ याद आ गया, मैं तेरे लिए ये निमको लेकर आई हूँ, ये देख। ओफो ये तो जलेबी है। हाँ हाँ जलेबी है, रख ले, सारे घर वाले मिल के खाना थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी जी शुक्रिया। चल अब तू दे दे। क्या भीख? चुप, भीख नहीं, वो जो तेरे घर में पका है ना वो इस प्लेट में भर के लेकर आ, शाबाश जा। अच्छा अच्छा लाता हूँ। हाँ हाँ बड़ी बड़ी बोटियां लाना। अरे क्या हो गया उनको? आंटी आंटी हाय हाय ला जी, अब क्या होगा ये बेचारी। हाय हाय मेरा घर बड़ा करीब है, अब इसको मेरे घर ले चलो, मैं बहुत ही रहम दिल लड़की हूँ। उठाएं प्लीज उठाएं, डंडा डोली करें उसको। हाँ मैडम को मेरे साथ लेकर आओ, परस भी उठाओ बेचारी का। हाय अल्लाह जी। ये कौन है मुमताज? तो ये मुमताज है। अरे मुमताज तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार। ओ पुत्र मेरा नाम भी नहीं आता अफ्ताखान। महमूद। आपको महमूद का नाम याद है, मेरा नाम याद नहीं है। ओ माँ जी सब कुछ छोड़े यार, अल्लाह का वास्ता सिर्फ ये बता दे ये औरत है कौन, ऐसे हुआ क्या है? तो फिर पुत्र ये ना बाहर सड़क पे मरी पड़ी थी। माँ जी ये क्या किया आपने, बंदी मार के घर पे ले आई है यार। चुप, मैंने इसे वो नहीं किया, मैं तो इसकी वो कर रही थी। अरे क्या तुमने वो लगा रखी है मोमो? अरे चुप करें आप लोग यार, ये औरत जिंदा है सिर्फ बेहोश हुई है। हाँ पुत्र ये बाहर सड़क पे ट्रक से बच गई थी तो उसके बाद ये बेहोश हो गई है। शमेला आप ठीक तो हैं? शुक्र है, आपको कुछ तो ख्याल आया मेरा चांद मियां। मेरे आफताब को चांद मियां कैसे कहा तूने, ये मेरा शहर है बच्चू। हाँ जानती हूँ, पर पहली बीवी तो मैं ही हूँ ना। महमूद साहब ये आपकी पहली बीवी है? आपसे ये उम्मीद नहीं थी महमूद साहब। नहीं महमूद साहब, मैं अपने माँ के आंसुओं का बदला लूंगा आपसे। माँ सदके चली जाए तुम्हारे मेरे बच्चे। चुप, ये मेरा पुत्र अदील है। नहीं ये मेरा बेटा जमील है। अदील है ना ही ये अदील है और ना ही ये जमील है। देख तू तो मेरी खूबसूरत बहू है ना, तू ही समझा अपने ससुर को, इस दूसरी औरत को मेरे सर पे लाके बिठा दिया है। तो मैं दूसरी औरत नहीं हूँ, ये क्या कह रही है शफकत? अरे मुझे क्या पता भाई। आए आए मैं आपको बताती हूँ, रखे गिलास। क्या क्या इधर है? अरे अरे मेरी बात। अरे मो मेरी बात।
समझा था और आप वो निकले सलमान। महमूद नहीं, महमूद नहीं निकले, वो निकले। सच सच बताए, आपने कितनी शादियां की हुई है छुप के। अरे मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ महमूद, तुम खुद ही तो उसे उठा कर घर में लाई हो। मैं तो आज पहली बार मिला हूँ उससे। जान मियां, मैंने आपको दूसरी शादी की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि तुम मुझे पूरी तरह भूल जाओ। अरे तुम तो जाओ यहाँ से। तुमने दूसरी शादी कर ली, मैं कुछ नहीं बोली। तुम इस औरत को घर पर भी ले आए, मैं तब भी कुछ नहीं बोली। मगर तुम इस औरत की वजह से मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। अरे मेरी एक ही बीवी है भाई, मुमताज। अब ये मुमताज कौन है? कौन है मुमताज? कौन है? अरे मुमताज तुम हो यार। हाँ हाँ, मैं हूँ मुमताज, इनकी पहली और आखिरी वो बीवी। आप अपनी नोनी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं चांद मियाँ? अरे कौन नोनी, कौन चांद, कैसा मियाँ? ऊपर वाला ना आपसे इस नाइंसाफी का हिसाब जरूर लेगा। आंटी, अम्मी कहो ना, तुम तो हमेशा से मुझे अम्मी जी कहती रही हो। अम्मी जी? मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटा। मेरी माँ गुजर चुकी है आंटी। हाय, घर के बाहर से गुजर गई, उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? ओहो, मेरा मतलब है वो इस दुनिया से गुजर चुकी है आंटी। ओ, दिल छोटा नहीं करते। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सास भी हूँ और बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी भी। नहीं, मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। हाँ हाँ बिल्कुल होंगी, जाओ जाओ जाके तुम आराम करो। और ये किचन के काम कौन करेगा? ओहो तुम्हें पता है ना, चांद मियाँ सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना पसंद करते हैं, तो मैं बना लूंगी। तुम जाओ जाके आराम करो, जाओ। अच्छा बना ले आप, जब खाना बन जाए तो बता दीजिएगा। जाओ जाओ जाओ। महमूद साहब, आपने सारी हदें पार कर दी हैं यार, अपने मुंह से बड़ा धोखा दिया है मेरी माँ को आपने। अरे मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया है नबील। अरे उसको एक्सीडेंट में सर पे चोट लगी है, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और अब वो मुझे अपना शौहर और तुम्हें अपना बेटा समझ रही है। जानिया, ये देखिए मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म पकौड़े। याद है आपको मेरे हाथ के पकौड़े कितने पसंद थे? हाँ, बिल्कुल, बड़ी अच्छी तरह याद है। वही खुशबू है, वही खुशबू है। मुझे भी याद है अम्मी जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बेटा खाओ खाओ, और ये भी बता दो कि दिन के खाने में क्या क्या बनाना है। मैं काम करना नोनी, तुम ऐसा करो मटन बिरयानी बना लो, पाए बना लो, चांपे भून लो और ना छोटे छोटे से ना नरकसी कोफ्ते बना लो। है ठीक है। और मीठे में ना अम्मी जी गाजर का हलवा और रस मलाई। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, सब बन जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। ये हो क्या रहा है यहाँ है? क्यों, मेरा बेटा और मेरा शौहर का मेरे हाथ के बने हुए पकौड़े नहीं खा सकते? इश्फाक, ये पकौड़ा नीचे रखें और जलील तू भी पकौड़ा छोड़ दे। खबरदार जो इस औरत के हाथ का बना हुआ कुछ खाया हो तुम दोनों ने तो। इतना जुल्म, क्या चांद मियां पे मेरा कोई हक नहीं? मैं इनकी पहली बीवी हूँ। और ये चांद मियां नहीं अफ्तखार है, पागल औरत। चल इधर से निकल, उठ जा, चल चल शाबाश, वापस ना आना। आप तो प्लीज चुप हो जाएं। मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही ना बहू। अब मेरा मतलब है रोना बंद कर दें प्लीज। कैसे रोना बंद कर दूं? उनकी दूसरी बीवी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। ओए खबरदार, जो मेरी बहू को वो पढ़ाई हो। वो क्या? वो जो जख्मी बंदे के होती है। रिपोर्ट? नहीं रिपोर्ट नहीं, वो जो चोट पे लगती है पट्टी। हाँ हाँ पट्टी। खबरदार जो शमाना को पट्टी पढ़ाई हो तो। खूबसूरत माँ जी। हाँ तू चल मेरे साथ, खूबसूरत सी पट्टी पढ़ाऊ। आ जा शाबाश शाबाश, आ जा जा। अरे बहू, मेरी बहू को तो मेरे लिए छोड़ दो बहू। मैं तुझे काटन की पट्टियां पढ़ाऊंगी, याद रख। इधर आओ, तू मेरी नंद हो के उस औरत का साथ क्यों दे रही थी कौसर, बता। मैं आपकी नंद नहीं बहू हूँ माँ जी। हाँ तो मेरी बहू है तो तू मुझे वो क्यों नहीं देती? वो क्या? वो जिससे उस पोनी की याददाश्त वापस आ जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं है माँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ हाँ आइडा, मुझे कोई आइडा क्यों नहीं देती तू? आप एक काम करें। शर्म नहीं आती सास को काम करने को कह रही है? माँ जी कोई ज्यादा काम नहीं है, आप ना फोन करके डॉक्टर को बुलाएं, वो ही नोनी आंटी का इलाज कर सकता है। चल ठीक है, तू डॉक्टर को फोन लगा और बुला। वो फोन रहा मेरा, उठाओ शाबाश।
हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। मैं भी बेपना खूबसूरत बोल रहा हूँ भाई। मैं नबील की बीवी खूबसूरत बोल रही हूँ, आप फौरन यहाँ आ जाएं। क्या नबील, चल बसा, कोई बात नहीं खूबसूरत, मैं तुम्हें सहारा देने के लिए आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। शट अप डॉक्टर, मैं नए घर का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाएं। ठीक है ठीक है, मैं रास्ते में जल्दी सेंड कर रहा हूँ। एड्रेस भेज रही हूँ माँ जी। थैंक यू जमीला। शुक्र है आपने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा तो सही चांदमिया, कैसी लग रही हूँ मैं? बाबा जा, अच्छी अच्छी लग रही हूँ। हो खुलकर तारीफ करें ना, जैसे पहले दिनों में करते थे। पहले दिनों की तरह याद करें ना, कैसे हमने साले समंदर पर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर जीने मरने की कस्में खाई थी, याद करें ना। कुछ याद आया? कुछ याद आया आपको? हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है। सच? देखे ना, आप अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दें, मैं कसम खाती हूँ मैं आपकी तीसरी शादी अपने हाथों से करवाऊंगी। आप मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है? जी चांदमिया, मैं ही तो आपकी पहली मोहब्बत हूँ, आप तो उस दूसरी के चक्कर में मुझे ही भूल गए। मुझे मुझे माफ कर दो नोनी, तुमने ना मेरी आंखें खोल दी। आपकी आंखें तो कब से खुली हैं? कितनी शरीर है आप नोनी। अच्छा चलो हम ना बीते दिनों की याद ताजा करते हैं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। सोच भी नहीं सकता था कि आप इतना गिर जाएंगे। गिरा कहाँ है पुत्र, ये बड़े मुंह वाला सांप अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। ओ माँ जी, मैं नजरों से गिरने की बात कर रहा हूँ यार। जमील तमीज से बात करो, ये तुम्हारे अब्बा जी हैं बेटे। ओ बस कर दे आंटी जी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ और ना ही ये उड़ने वाला सांप जो है ना वो आपका शौहर है। हाँ ये मेरे वो है और ये इनका बेटा है। चांदनी ये लोग क्या कह रहे हैं? अरे ये तो दूसरी बीवी है, ये तो कहेगी, ये अपने बेटे को देखो कैसे बढ़ बढ़ के इस औरत का साथ दे रहा है। अरे तुम तो चुप करो, तुम तो मेरा नाम तक भूल जाती हो। मेरी पहली बीवी नोनी जो है ना, मुझे तुमसे ज्यादा चाहती है। मेमो साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं यार कि ये आपकी बीवी नहीं है। हाँ लेकिन मुझे इसका शौहर बनने में कोई इतराज नहीं है। अरे देखो देखो इसकी आंखों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। मेरी आंखों में भी वो है नूर हसन। तुम्हारी आंखों में ना नूर है ना हुसन है। मुसा, मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आप याद रखेंगे। वो जो तुम मुझे सिखाओगे वो सबक होगा। हाँ जी। अबे चल बे, अरे छोड़ो इनको, आओ हम एक गाना और पिक्चराइज करते हैं। ए बहारो गवा रहना, ए नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। मैं आ गया। शुक्र है। कमाल है भाई, मेरे घर आने पर कभी मेरी बीवी ने शुक्र अदा नहीं किया। मैं आपकी बीवी होती ना तो मैं भी कभी शुक्र अदा ना करती। तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना खूबसूरत। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे डॉक्टर साहब। अरे बुरे दिन तो तुम्हारे उस दिन दूर हो जाते जब उस निकम्मे नबील के बजाय इस काबिल डॉक्टर से तुम्हारी शादी हो जाती। क्या? हाँ, मैं तुम्हें अपने क्लिनिक में रख लेता नर्स बना के, बिल्कुल तुम मेरी नजरों के सामने रहती। शट अप डॉक्टर। ओके जानू, मेरा मतलब है खूबसूरत, क्यों बुलाया मुझे तुमने इतनी इमरजेंसी में? इलाज के लिए। नहीं मम्मी, मैं तुम्हारे शौहर का इलाज नहीं करूंगा, अच्छा मानना दोस्त। नबील बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपको किसी और के इलाज के लिए बुलवाया है, अंदर तशरीफ लाइए। नहीं मैं तशरीफ तो लाना भूल गया, हाँ इंजेक्शन लेके आया हूँ। चलो बेफिक्र हो जाओ, आ जाओ चले।
वाह भाई वाह, घर तो इतना बड़ा ले लिया आप लोगों ने, मेरी फीस देते हुए तकलीफ होती है आप लोगों को। हैं आप प्लीज अंदर आइए, अपना काम कीजिए। ओ माँ जी हौसला रखें। किथे रखा पुत्र? माँ जी तबा करें यार उस बड़े मुंह वाले सांप को। मेरा इश्फाक ले उड़ी चढ़े। अबे अबे जल्दी बता जल्दी बता, किसका इलाज करना है भाई? नोनी का। डॉक्टर साहब एक औरत का इलाज करना है यार, उसका नाम नोनी है। आज का जो एपिसोड है ना उसकी गेस्ट है। अरे पर उन्हें हुआ क्या है भाई? उसकी वो चली गई है। वो क्या? याददाश्त डॉक्टर साहब। ओ भाई फिर तो बहुत ही सिंपल है, आपको धंधा मारना पड़ेगा बस। नहीं डॉक्टर साहब डंडा तो नहीं अवेलेबल, वकील की बेल्ट उतरवा लो। ओ नहीं माँ जी मेरी पैंट गिर जाएगी यार। माँ जी बेल्ट नहीं धंधा ही मानना होगा बस। जा शमीम जाके अंदर से डंडा ले आ, डॉक्टर साहब की टिंड फोड़नी है मैंने। अरे नहीं माँ जी मैं अपने लिए नहीं, मैं मरीज की बात कर रहा हूँ, मरीज के सर पे धंधा मारना पड़ेगा ताकि उसकी याददाश्त वापिस आ जाए। वाह डॉक्टर साहब वाह, कितना अनोखा और नया इलाज बताया आपने, वाह वाह वाह। अच्छा तो फिर लाओ मेरी फीस। एक मिनट बस रुक जाएं, अभी डंडा आता है ना तो डंडे पे रख के मैं आपको फीस दूंगा। भाई आप लोग तो अपने भाई इतने सालों से, अब आप लोगों से कैसे फीस लूंगा? अच्छा मैं चलता हूँ। आप फीस तो लेते जाएं, फीस तो हैं नहीं, फीस लेके जाते तो अच्छा था। सोच रही हूँ अपना जेवर बेच के ना हम अमेरिका के टूर पर चलते हैं। अच्छा है, तुम्हारे पास इतना ज्यादा जेवर है? हाँ बहुत सारा, सारा का सारा बैंक में रखा है। अरे ठीक है ना, तो फिर हम काली बैंक जाके सारा जेवर निकलवा लेंगे। कौन सा जेवर? नमाम नोमी। अरे मुमताज सीखो कुछ नोनी से, ये अपना सारा जेवर बेच कर मुझे अमरीका घुमाने ले जा रही है। महमूद साहब ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। तुम चुप करो बहू, मैं और चांद मियां इस घर में नहीं रहेंगे, तुम लोगों को तो हमारी कदर ही नहीं है। मैं और चांद मियां अमरीका में जाके रहेंगे। और माँ जी का क्या होगा महमूद साहब? अब मेरा मुमताज से कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र है आप राह रास्त पर तो आए। ओ आंटी जी एक नंबर का फ्रॉडिया है यार, इनकी तो शक्ल में लिखा हुआ है। महमूद साहब शक्ल दिखाए यार। अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। नोनी नोनी, अरे नोनी क्या हुआ? ओ माँ जी ये क्या किया आपने यार? अरे ये तुमने क्या किया है मुमताज, ये क्या कर दिया मेरी नोनी को? नोनी नोनी नोनी, शुक्र है नोनी तुम होश में आ गई हो। कौन है भाई साहब? अरे मैं तुम्हारा चांद हूँ नोनी। खबरदार बुड्ढा जो तुमने मुझे हाथ लगाया था, सच सच बताओ मुझे कौन अगवा करके लाया यहाँ पर? ये यही बुड्ढा आपको लेके आया अगवा करके। मैं तुम पर ऐसा केस करूंगी सारी उम्र जेल में सड़ोगे। अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। अरे मामा मामा मुझे बचा लो, मामा मामा मुझे बचा लो। चल यार चल सवार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।